वेलकम टू द चैनल, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग खेलने वाले माइनक्राफ्ट। एंड आज मैंने सोचा है कि मैं आज डिफीट करूं वेदर को। मैंने कर रखा है तो मैं दोबारा से सोचा मैंने कि मैं डिफीट करूं वार्डन। तो यहां पे हम लोग, अब मैंने एरिया क्या है, अब मैंने एरिया चूज किया है ये। सबसे पहले मैं माइक अपना ठीक से कर लेता हूँ। तो ये वाला एरिया मैंने चूज किया है, पहाड़ स्थल पर्वत। तो वार्डन को जल्दी से हम लोग समन करते हैं। एंड मेरा प्लान है कि सबसे पहले मैं ये इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, मेरे पास 19 है, तो मैं इनको खा के जल्दी से हो गया। बस ये इसकी ब्लास्ट होने का देरी है। एंड फिर हमारी गंदी वाली भाई ब्लास्ट होगा ये। तो हो गया ब्लास्ट। ओ बेट भाई, मैं नहीं मार पा रहा हूँ। तो मैं अब पहले इसे अपनी बो से खड़ी कर लगा देता हूँ। तो ये मेरे मत्थे के ऊपर है। भाई मैं इसे बहुत से धड़क धड़ मार रहा हूँ एंड ये आधी एच पी पे आ गया। ओ अब आप गुड बाय। सो गाइस ये मैच खत्म होता है, मतलब मुझे एक मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा एंड इसने मुझे नज़र स्टार दे दिया। तो यहाँ पे जल्दी से अपना इलाइटर पहनते हैं और निकल जाते हैं अपने घर की ओर। हाँ तो एक बार मैंने यहाँ पे वोट उससे फाइट की उधर से। तो भाई यहाँ पे मैं देखते ही देखते अपने घर भी अब पहुँचने वाला हूँ। वेट, ये क्या हुआ? अरे मेरा इलाइट्रा भाई टूटने की हालत में हो गया। भाई ये क्या हो गया भाई? स्कैम। अब चलो भी गार्डन का यूज करके चलते हैं जल्दी से। जाता ऊपर ही हूँ मैं। आई एम प्रो यार, पीरो पीरो बोलते भाई, पीरो भाई। मतलब कुछ ही सेकंड ये वार्डन मेरे सामने टिका, उसके बाद तो भाई वार्डन नहीं, मैं वेदर, बार बार वेदर और वार्डन में कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। तो यार बस, तो मैं जल्दी से अभी अपने घर चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सो जाता हूँ एंड सुबह उठ के हम लोग बात करते हैं कि क्या हो गया एंड क्या होने वाला है। ओए ये क्या? अरे भाई सॉरी यार, मैंने लैन पे कर रखा है इस वक्त, क्योंकि अभी अभी मैं मल्टीप्लेयर खेल रहा था। तो भाई सॉरी यार, माफ़ कर देना वैसे। अब मल्टीप्लेयर तो यार डिस्कॉर्ड पे मैं था एंड तब मुझे बोला था तो मैंने तब किया, वैसे मैं नहीं करता हूँ ये लैन पे। तो भाई अभी मैंने वो हरा दिया है विदर को एंड उसे नेदर स्टार भी ले लिया है। तो जल्दी से अब हम लोग जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्राफ्ट करेंगे एक बीकन, उसके बाद मैं देखता हूँ कि यार एक और जगह मुझे प्लांट करनी है इसको, मुझे एक और जगह इसको प्लांट करना है। बट यहाँ पे भी चार चार लगे हुए हैं, मतलब मैं चार बार हरा चुका हूँ एंड ये काफ़ी अच्छे भी दिखते हैं। अब मुझे भाई ब्लॉक्स चाहिए होंगे, तो इसके लिए तो मुझे जाना होगा एंड मैं एक्सपी फार्म अब काम ही नहीं कर रहे हैं भाई। तो क्या भाई, आधे घंटे लेके बनाया इसको, मैं बच गया। वेट अबे इससे भाई मुझे ड्रिपलिन ने बचा लिया।
अरे यार, अब मैं देख रहा हूँ कि कभी कभी इसमें मॉब स्पॉन होते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, बट वो जब नीचे आते हैं तो भाई मर जाते हैं। मतलब मैंने ब्लॉक की हाइट मैंने कुछ ज़्यादा कर दी। मैंने तो एक ट्रू टोरी मैंने वैसे तो भाई देखा था। देखो अभी भी भाई एक मॉब, देखो ये रहा, ये देखो ये मर गया। यही सीन होते रहता है भाई यहाँ पे। मैं इसे दोबारा से एक दो हाइट शायद से मैं इसे छोटा कर दूँ तो काम चलेगा या नहीं। तुम लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हाइट हाइट मैंने शायद से इसे 20-22 ब्लॉक लेके रखा है। शायद से मैंने 22 ब्लॉक तक का बनाया है। एंड एक वीडियो मैंने देखा था सबसे पहले, कि आता तो था बट मैंने एक वीडियो देखा, तब मैंने इसे बनाया एंड तभी भी ये अब काम नहीं कर रहा है। और इसका रीजन काम करता है भी मैं, अबे रेसिपी मिल गई यार। चलो देखो ये सब आके मरते रहते हैं हमेशा, बट भाई यही सीन है कि यार वो नहीं रहा। एंड अभी देखो अभी मेरा जो प्लान है वो है भाई जल्दी से जाके काफ़ी सारे आयरन कलेक्ट करना एंड स्मेल्ट करना। उसके बाद बहुत काम है अभी, वीडियो को एडिट करना। तो यहाँ पे मेरे पास आयरन इंगट, पहले मैं देख लेता हूँ भाई मेरे पास है कि नहीं। पहले तो यहाँ पे मेरे पास 6 ब्लॉक इसके पड़े हुए हैं। ये 2 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 8 ब्लॉक। अगर मैं इन्हें मिक्स करके भी बनाऊँ तो भाई बहुत सारे ब्लॉक लगेंगे। एंड इनको मैं अब स्मेल्ट होने दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए से मैं बाहर से भाई ये कोल लेके आता हूँ। काफी सारे कोल बच गए थे, मतलब देखो काफी कोल है सब में भाई, दो दो कोल, पांच पांच कोल। अब बाकी बाकी अब खा लिए। चलो भाई हो गया भाई, बाकी अब खा लिए है भाई। देख रहे हो मतलब 49 कॉल। अब इसको मैं डाल देता हूँ, अब ये स्मेल्ट हो जाएंगे अच्छे से। अब जब तक ये स्मेल्ट हो रहे हैं, ओके गाइस, तो जब तक ये अब स्मेल्ट हो रहे हैं तब तक मैं कुछ और नेदर में चलते हैं। मतलब थोड़ा बहुत हाल देखते हैं भाई नेदर का। तो एंड अगली वीडियो होगी ना, मैं 1.20 के अपडेट्स के बारे में बात करूंगा कि क्या क्या आ सकता है 1.20 में। तो फर्स्ट और इस वीडियो, अगर अगली वीडियो जो 1.20 वाला अपडेट है उसको आने में करीब भाई अब 2-3 दिन, 4-5 दिन लगेंगे। अब ऐसा ये भी नहीं है कि अगली वीडियो यही होगी। अब माइनक्राफ्ट की भी सीरीज हो सकती है। एंड जल्दी से अब हम लोग नेदर में चलते हैं एंड देखते हैं भाई हालत क्या है नेदर की। नेदर की हालत काफी ठीक ठाक नहीं है। तो यहाँ पे मैं नेदर में पहुंच गया। मैं लूट लेता हूँ चेस्ट, लैग हो गया मतलब। अभी मेरे पास कोई अच्छा खासा पीसी नहीं है, तो भाई लैपटॉप तो ठीक ही चलता है। मतलब अप्रोक्स मुझे वीडियो के टाइम मुझे तो वीडियो बनाने के टाइम मुझे ये 40-50 FPS प्रोवाइड करता है। एंड जब मैं वीडियो नहीं बना रहा होता हूँ तो भाई ये मुझे 60 FPS प्रोवाइड करता है। एंड मैं अब नीचे भी नहीं बा भाई डैमेज पड़ेगा तो ना मैं जाऊंगा। अगर आपको भाई क्लच वाली वीडियोस एक बार और चाहिए तो भाई मुझे बताना, मैं पक्का लाऊंगा। ये लावा देख के मुझे लगता है मुझे ड्रीम का वो वाला क्लच याद आ गया था, बोट वाला क्लच जो ऐसे करके जो रखता था ना भाई, वो काफी मस्त दिखता लगता था। तो मैंने सोचा अब
एक बात तो हर भाई मैं ज्यादा भी नहीं। वेट व्हाट, तो मैं यहाँ पे मैकेनिकल कीबोर्ड यूज करता हूँ, आ जाती होगी आपको साइड से, एंड ये वाला जेब्रोनिक्स का माउस यूज करता हूँ तो आपको पक्का आवाज आती ही होगी। और अब मेरे पास ब्लॉक है भाई, अब मैं ड्रीम बनने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। नहीं, ये स्मार्टी पाई बनने से, कहां से करता था बेस की टांग ऊपर ऊपर नीचे ऊपर। भाई अभी मैं सुल्तान मूवी देख के नहीं आया हूँ, मैं गाना गाने लग रहा था, कॉपीराइट बेकार नहीं आ जाता। तो यहाँ पे मैं जल्दी से क्लच करना चाह रहा हूँ, मेरा चूल मच रहा है मुझे क्लच करने की, क्योंकि वहाँ पे मैं जा चुका हूँ, वेस्टर्न में जा सकता हूँ, इसमें जा चुका हूँ, बट मैंने फुल लूट नहीं की थी। क्यों मैंने लूट नहीं ली थी पूरी, पहले से लगा हुआ है तो मेरे लिए इजी तो नहीं है मान लो। अरे नहीं, काफी ज्यादा पेशेंस चाहिए यार इसके लिए, मैंने कर रखा है ये काम बट अभी मैं नहीं कर पाया। अब वेट, देखो मैं एक एक ब्लॉक लेके कूद के सबसे, तो यहाँ पे भाई मैं वेस्टर्न के ऊपर आ चुका हूँ, एंड मुझे वहां पे चेस्ट दिख रहा है भाई, मारो यार मुझे पक्का मारो भैंस की, मुझे नहीं चाहिए पॉक चॉप, पॉक चॉप, पॉक चॉप, पॉक चॉप नहीं, पॉक चॉप वो दे दे भाई, क्या बोलते हैं उसे, वो। अब मैंने क्यों वहां ब्लॉक लगाया, देखो भाई फॉसिल ने सोल सैंड नहीं, वो नहीं लगाया सोल स्पीड, ओए पागल है क्या, कुत्ते चलो आए ये भाई। स्केलेटन भाई सबसे बेकार चीज है, एंड उसमें सबसे बेकार लगा है अभी तक का स्केलेटन। पहलवान में भी ना मन नहीं भरता है ना। सो गाइस यहाँ पे मुझे ऐसे चलने में बहुत बेकार लग रहा है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अब फुल ड्रीम वगैरह बन के। अगर अभी मेरे पास बोट रहता मैं पक्का करके दिखाऊंगा, मैं तुम्हें पक्का करूंगा, दिखाऊंगा पक्का मैं तुम्हें, अगर मेरे पास बोट रहता। अब एक बात और भाई, क्रिएटिव तो कर नहीं सकते तुम लोग, ऊपर से मुझे बोलोगे, इसीलिए मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। एंड भाई मैं कुछ और, मुझे एक इससे भाई एक कंटेंट, लॉजिक लॉजिक भाई, मैं तुम्हें अगली वीडियो मैं तुम्हें माइनक्राफ्ट के लॉजिक पे ऊपर भाई वीडियो भी बनाऊंगा। माइनक्राफ्ट का जो लॉजिक है ना भाई वो काफी ज्यादा अजीब है, सही में भाई। अभी देखो ऐसे हम लोग चलेंगे तो हमें डैमेज, और क्राउच कर लो भाई। सो गाइस मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, मुझे बचा लो, मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूँ, नरक का नागरिक मैं भाई मैं अपने घर का नागरिक हूँ। अरे
तो अब मैं जाऊंगा भाई यहाँ से तैरते। ये काफी बोरिंग है बट तैरते जाना। कहीं पे ब्लॉक लग रहा है, एंड तुम लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि तुम्हें लॉन्ग वीडियो और चाहिए, तुम मुझे बताना, मैं लॉन्ग वीडियो काफ़ी आराम से डाल पाऊँगा। मैं अब ज़्यादातर भाई 20-30 मिनट की लॉन्ग वीडियोस को डालता हूँ। एक्सपी फार्म जो मैंने बनाया था उसमें तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा मेगा एपिसोड टाइप बन चुका था। तो भाई तुम लोग मुझे बताना कि अगर तुम लोगों को भाई लॉन्ग वीडियोस चाहिए तो मुझे बताते रहना। एंड बकेट की, अरे अरे भाई डूब गए। अरे यार मुझे अब इस क्लिप को भाई कट करना पड़ेगा, मैं इन्हें नहीं डुबाना चाह रहा था भाई, पर डूब गए। तो गाइस यहाँ पे मैं इलाइट्रा का भी हालत बहुत बेकार है, तो अब मैं बस सबको भाई मारूंगा एंड कुछ नहीं करने वाला हूँ। नहीं यार मारने से भी कोई फायदा नहीं। एंड मैं सुन रहा हूँ कि माइनक्राफ्ट 1.20 में एक अपडेट, एक साइन बोर्ड ऐड होगा जो आप इसको हैंग कर सकते हो, तो भाई ये काफ़ी ठीक रहेगा, मतलब हैंगिंग वाला साइन बोर्ड काफ़ी ज़्यादा ठीक। एंड कैमल भी ऐड हो रही है, वैसे अपनी लामा कैमल है लामा। अब चलो छोड़ो भाई। तो भी यार बस यहाँ पे भाई रिकॉर्डिंग को 17 मिनट हो चुके हैं एंड यहाँ पे मैंने ज़्यादातर कुछ भी नहीं किया है। हाँ अब मुझे यहाँ से बस निकलना होगा और कुछ भी नहीं, निकलने भी भाई फट रही है नज़र, स्टार ले रखा है एक। आप लोग आप बोलोगे कि अभी तो तू ड्रीम बन रहा था, अब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मुझे घर जाना है यहाँ से तुरंत, मुझे निकलना है भाई। भाई अपनी मंजिल आगे है, किसी ने हमें रास्ता दे दिया है कि तुम अब नरक के नागरिक नहीं, नरक के नागरिक नहीं हो तुम, स्वर्ग के नागरिक हो। तो अभी मैं भाई अपने घर स्वर्ग में जा रहा हूँ, तो नरक में तुमसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अरे मैंने नरक को बोला ताकि तुम्हें नरक की सबसे खतरनाक राक्षस, अरे बहुत भाई में आ नरक की सबसे कुत्ती राक्षस मैं जा रही हूँ। आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, ठीक है करो, और तुम लोग भी काफ़ी अच्छे नागरिक थे और मैं अब तुम्हें टपका के जा रहा हूँ। सो भाई अभी यहाँ पे मैं भाई काफ़ी ज़्यादा मिक्री कमेंट्री जो भी बोलते हैं बहुत कर लिया, अब मैं सीधे अब निकल रहा हूँ अपने घर। एंड वो लोग आ रहे हैं क्या? ये कुमार पे पूरे झुंड ले आते हैं भाई, झुंड में भाई सुअर आते हैं, हम नहीं, वैसे सुअर ही है। हाँ आदमी कब के रह गए। अब गाइस यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा मैं कैसे आया था, वाओ यहाँ पे ये वाली बायोम भी है, व्हाट यार, यहाँ से मुझे बस ऊपर चले जाना है। और तो यहाँ पे मैं जितने भी ब्लॉक है मैं बिल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। हो गया यार हो गया, बस अपने घर अब
बहुत ही चार जगह है। मैंने अभी अभी काफी मस्त वाला पार्कोर किया क्योंकि मैं अभी फोकस फोकस में था भाई, पार्कोर वाला फोकस। अरे हट ना, मैं इन्हें मारना भी मैं नहीं चाहता हूँ, बट मुझे अब इन्हें मारना पड़ता है। तो यार बस आज कहाँ पहुंचा दिया अभी। अरे नहीं तोड़ो, कहीं और पहुंचा दिया। वेट भाई, मैं मिलता हूँ तुम्हें एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड वीडियो को भाई लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर पक्का कर देना। मिलेंगे भाई अभी।